हमारे बहुत सारे भाई लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं जानते हैं, उनके पास वाकई में पैसा नहीं है। जबलपुर का हमारा एक स्टूडेंट है, उसने हमारा कोर्स खरीद लिया, पैसा दिया, पता चला उसके पास खाने को पैसे नहीं। कहीं उसके अगल बगल के उसके मित्रों से पता चला कि सर खाने को नहीं। इस देश में एक तबका ऐसा है जो है लेकिन देना नहीं चाहता, वो भी तबका है लेकिन वो देना नहीं चाहते, और बिना दिए आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। और खेल आशीर्वाद का है, इसलिए हमारे देश में भिक्षु की परंपरा रही। जब कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आता था और तुम उसे एक रोटी देते थे तो वो भिखारी नहीं था, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता था, वो तुम्हें राय देकर जाता था, वो तुम्हारी दुनियावी समस्याओं का समाधान देकर जाता था। इस देश में संत कभी भिखारी नहीं रहे, सदगुरु भिखारी नहीं है, पंडित श्री श्री रविशंकर भिखारी नहीं है, आशुतोष महाराज भिखारी नहीं है, मां निर्मला देवी भिखारी नहीं है, आचार्य रजनीश भिखारी नहीं है। इसलिए हमने संतों को कभी भिखारी, भिक्षु कहा, भिक्षु जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, जो ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को तुम कीमत से तौल नहीं सकते, तो तुम जो थोड़ा बहुत देते हो 1 करोड़ 2 करोड़ उसके लिए कोई माने नहीं रखता। सर सदगुरु के लिए पैसा माने ही नहीं रखता। जो चीज उस आदमी के पास है ना, पैसा कहीं खड़ा ही नहीं होता उस आदमी के सामने। इसलिए आप जब किसी संत महात्मा को दान करते हो तो बहुत एहसान नहीं करते हो सर। एक तो आप मोह में करते हो या हो सकता प्रभाव में कर रहे हो, लेकिन अगर उससे आपने कुछ सीखा है, ये जो शरीर है ना सर, ये मन अमृत का तो आदि ही नहीं है सर। ये जिसको हम अमृत कहते हैं उसका ये आदि ही नहीं है, अमृत ढूंढता है, ये कहता कहीं अमृत मिलेगा। सर अमृत आपके सामने पड़ा हुआ है, करेला अमृत, दुनिया में जितनी भी कड़वी चीजें हैं, लेकिन चूंकि हमने कड़वे को स्वाद ही नहीं बनाया। कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है, वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना के यहां, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, एक एक महीने गांव नाना के यहां रहते थे, गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिस्ती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी रहीं, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। कई बार मैं अपने मित्रों को देखता हूं जब वो आईएएस क्वालिफाई कर लेते तो लिखते मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। बस बड़ी उपलब्धि है, हिंदुस्तान में आईएएस बनना बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको इतना कम नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में कुछ परीक्षाएं निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है, AFMC निकालना उपलब्धि है सर, IIT में पढ़ना उपलब्धि है सर, IIM में पढ़ना उपलब्धि है सर, कंपनी सेक्रेटरी निकालना उपलब्धि है सर, उपलब्धि है सर, IAS निकालना उपलब्धि है सर, सुप्रीम कोर्ट में बार एट लॉ का मेंबर होना उपलब्धि है सर। बाकी इस देश में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी चीज लेकिन उपलब्धि है सर, मैं इनको उपलब्धियां मानता हूं सर, ये उपलब्धियां हैं सर, सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी सर।
अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, माँ बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर ये ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। लेकिन मैंने कहा जिंदगी है सर खेल, यहां कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के। लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे सर, ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा, जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है, वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री एस के ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का, 6x6 का सर। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। सर मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी, और अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं, घर से कोई बैकिंग थी नहीं, माताजी ने घर से भगा दिया था। सिर्फ मेरे एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम मैं किसी दिन बहुत फुर्सत से लूंगा, पंकज पांडे जी, उन्होंने बीच बीच में बहुत आर्थिक सहायता की सर। लेकिन आप हर महीने खाने का पैसा, कपड़े का पैसा थोड़ी मांगेंगे सर। आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल में, 4 बजे ऑटो से कमरे पहुंचते थे, सुबह 8 बजे क्लास होती थी सर। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां। पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर, यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले, क्यों ले ले, पेट्रोल भराने का पैसा दोगे? बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट ऑफ मास्टर थे सर, 9000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में है सर, अच्छा क्या नहीं लगता। गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में साइकिल को जगह दें सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर, मस्त रहेंगे सर। और कभी आपको लगे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, आप आइए दिल्ली और हमारे साथ साइकिलिंग करिए 60 किलोमीटर की 1 go में। और हार नहीं कर पाए सर, छोड़ देंगे पढ़ाना, कभी कैमरे पर नहीं आएंगे सर। जिसको भी लगे, और मेरे बड़े सारे मित्र कहते थे बोलना को बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, बोलने के लिए तो हम भी बहुत बोल दे। नहीं नहीं सर, मैं डरता भी हूं सर, पर मैं जितनी बातें आपसे कहता हूं उनको मैं भी करता हूं सर। मेरे पास साइकिल है सर,
उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर, बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी। सर मैं 2 किलो आम खा लेता हूं, आम मैं छोड़ नहीं सकता था, शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, शॉर्टकट डिस्क की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा भाई आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है। हमने कहा फिर, बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता क्या सर, स्वस्थ शरीर, ये जबान इतनी बड़ी, सर दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहे यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने। तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में, तो जब उन्होंने मुझे ब्रेवो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, मैं मिश्रा जी का भी बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, एके मिश्रा जी ने बहुत साथ दिया, चाणक्य एकेडमी चलाते हैं और बहुत ज्यादा साथ दिया उन्होंने। तो चंद्रदीप सरकार ने जब हमें ब्रेवो स्कूटर पे देखा, बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहां मत खड़ा करिए, करिए थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अबे मैंने कहा पागल हो बे, यहां खड़ा करने में क्या दिक्कत, यहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर, रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन, बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई MBBS है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त, वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा, कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी शादी, अब मुझे एक नई लड़की मिल गई है। तो कहता कौन, कहता वो डॉक्टर सुमन। तो हंसने लगता, कहता मुझे पता था कि तू सुन के हंसेगा जरूर, लाफिंग थेरेपी। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर।